Hi friends, today I'm going to speak to you with a person who I not only love and admire, but she's loved and admired by the whole country, the whole world. So, without much ado, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ मेरी बहुत ही प्यारी नमस्कार. तो आज आपसे मैं सिर्फ दो चीजें पूछूंगी. एक के हमारे प्रोफेशन में, फिल्म इंडस्ट्री में, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं. कई बार ऐसे मौके होते हैं कि परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है काफी लंबे वक्त तक. और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको कई बार बैलेंस करना होता है कि मैं अपने घर को, अपने परिवार को, बच्चों को, पति को, या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कैसे बैलेंस करूं. आप कोई टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपने 50-60 साल इन चीजों को बैलेंस किया है. लोगों को क्या दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. बच्चों को पहले से सिखाना चाहिए कि मेरा काम है तो ये घर है, तुम हो. अगर तुम बिल्कुल गरीबी में रहना चाहते हो तो वैसा करो, नहीं तो तुमको ये सहना पड़ेगा कि बात हमारी थोड़ी दूर जा रही है, या दिन भर रिकॉर्डिंग कर रही है, रात को लेट आ रही है. ये तुमको अगर सहना होगा तो तुम मतलब अब उनको मतलब तैयार करना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना समझे कि माँ कहाँ गई है, ये है वो है. ऐसा नहीं होना चाहिए. और अब कोई भी एक आदमी घर पे विश्वास होना चाहिए जो बच्चों को देखे, खाना दे या कुछ करे. मेरे को फोन करके बता दे कि बच्चे ठीक हैं. मैं फोन करती थी हमेशा. तो इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों को भी और माँ को भी, घर वालों को भी. क्योंकि माँ के लिए भी आसान नहीं होता बच्चों को छोड़ के जाना या परिवार को छोड़ के जाना. लेकिन उसके बिना इलाज भी कोई नहीं था, कि और कोई जरिया नहीं था कि घर चले. तो यही जरिया था कि हम गाना गाएं. वो गाने में जितनी देर लगेगी, हम तो ये नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चे हैं, हम घर जा रहे हैं. वो बोलेंगे कि बच्चों को ही संभालो, फिर हमारा गाना मत गाओ. तो ये कमर्शियल वर्ड है, इसमें कमर्शियल चीजें ज्यादा चलती हैं. तो हमको अपना आप संभाल के, और उस जमान के म्यूजिक डायरेक्टर भी अच्छे थे. तो मेरा बच्चा अगर बीमार है तो वो बोलते थे, आशा जी आप हो क्या, ये आधा घंटा भी देरी है, कोई बात नहीं आप हो आइए. तो मैं जाके बच्चों को देख के आती थी, बच्चों को छोड़ना, लेने जाना, वैसे ही निकाल देती थी टाइम. क्योंकि म्यूजिशियंस में 50 म्यूजिशियन को एडजस्ट करने में, ये करने में देरी लगती है. तो मुझे मालूम था, और उस जमाने में बहुत भीड़ नहीं थी, और नजदीक हमारे स्टूडियो थे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा होता था. पढ़ाई आजकल जमाना कॉर्पोरेट हो गया है, कोई ये चीजें नहीं ध्यान रखता है कि आपके घर में बच्चे हैं या आपका प्रॉब्लम है. आज के जमाने में लोग कहते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को काम पे मत लाइए, सेट पे मत लाइए, या ऑफिस में मत लाइए. तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ वो लोगों का भी घर होता है, उन लोगों के भी बीवी बच्चे होते हैं, या औरत हो तो उसके भी बच्चे होते हैं, बहनें होती है, माँ होती है. तो वो उनको ख्याल करना चाहिए कि मेरी माँ अगर बीमार हो या मेरा बच्चा बीमार हो तो मेरा क्या होगा. अगर उसकी मदद नहीं है और बच्चा अकेला बाप के पास है, तो बच्चे को ध्यान देना उसका जरूरी है. काम तो होता रहता है, काम कहीं नहीं जाता है, लेकिन आपके घर वाले भी उतने ही मतलब प्रेशर है, क्योंकि उनकी देखभाल होनी चाहिए. सही है, क्योंकि मैं समझती हूँ इतने सालों आपने ये संभाला है, तो आपसे ये सवाल पूछूं पहले. क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि चाहे आप डॉक्टर हों, जैसे मेरी बहन है, या कुछ भी आप प्रोफेशन में हो, आप एक कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हो, हमेशा ये एक खींचातानी रहती है अपनी जिंदगी में कि किसको ज्यादा अहमियत दूं. और अहमियत, मेरे ख्याल से अहमियत देने की बात नहीं है, बैलेंस करने की बात है, और तैयार होने की बात है. मतलब आपको सब अरेंजमेंट करना पड़ता है घर में कि मेरी सब चीजें प्रॉपरली सेटल्ड हो. तो मदर को डबल रोल करना ही पड़ता है, घर चलाना उसी का काम है, चाहे वो हो नहीं हो वहां पे. फिर भी जैसे मैंने आपको देखा है, हर चीज की तैयारी रहती है, चाहे आप वहां हो ना हो. बिल्कुल रहती है. एक बार मैं तो बताती हूँ कि मेरी लड़की को टाइफाइड हुआ था, 14 साल की थी वर्षा, और उसने कहा कि मैं नर्स से कुछ भी नहीं कराऊंगी, तुम मेरे को देखो, देखभाल करो.
उसको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी उसने कहा कि तुम मेरे को अगर प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए देखभाल करोगी। और वो बूटी थी तो उसको सब बेड पैन देना करना ये वो सब सुबह उठ के मैं करती थी, रिकॉर्डिंग में जाती थी, रिकॉर्डिंग तो मतलब बोला हुआ था कि मेरी लड़की को ऐसा ऐसा है तो मैं जाती हूँ। 3 घंटे के बाद मैं आके उसको सब दवाई वगैरह बराबर है कि नहीं देख के, उसके कपड़े बदलना, उसके लंबे लंबे बाल की चोटी बनाना सब मैं सुबह करती थी। और वो हंसती थी मेरे को देख के, देखो तेरा कितना प्यार है, तो बच्चे भी हमारे इम्तिहान देते हैं। हाँ, तो वो मैंने 1 महीना किया उसका। 1 महीने के बाद उसका बुखार जब उतर गया तब मैंने कहा कि अभी मेरे को मां छोड़ो तू, तो उसने कहा तुम मेरे से प्यार करती हो तो प्रूव हो गया। तो बच्चों को भी ऐसे टैचल करना पड़ता है और काम को भी, लेकिन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और वो समझते थे कि अकेली माँ है तो उसको टाइम देना जरूरी है, जाओ जाओ 1 घंटे के लिए जाओ ऐसे कर। तो आई थिंक ये मैं लोगों से कहूंगी, क्योंकि सब लोग सिर्फ काम के इश्यू नहीं होते, आपके अंडर भी कई लोग काम करते हैं, आप बॉसेस हैं, आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, तो बी ह्यूमेन, बी कंसिडरेट। ये मत सोचिए कि कोई भी आपसे अगर कोई तकलीफ सुना रहा है या छुट्टी मांग रहा है तो वो काम चोर है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं। सो बी अ कंसिडरेट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। और एक औरत के लिए तो और मुसीबत है, हाँ, खाना बनाना। एग्जैक्टली, आज के जमाने तो मेरा लड़का जो आनंद है 7 साल का था, 6 साल का, तो मेरे को रिकॉर्डिंग के आने के बाद बोलता था आई तू काय करते, मैंने माँ तुम क्या कर रही हो, तो मैं समझती थी कि उसको कुछ खाने को चाहिए। मैं फटाफट निकाल के ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ, जल्दी जल्दी उसको बना के देती थी, फिर खाता था वो, तो था तुम्हारी जैसे बात किसी के बाद नहीं होगी। जी वो ही सब मेहनत वर्थ इट होती है जब आपके बच्चे ऐसा कहते हैं, और वो मैंने देखा है। आई आप जितनी भी थकी हो चलते चलते आप किचन पहुंच जाती हैं और प्यार से बनाती हैं सबके लिए। मैं आपको एक चीज समझती हूँ कि ऐसे आई थिंक इंडिया में क्या दुनिया में कोई आर्टिस्ट नहीं है जितने इतनी भाषाओं में गाया है, जो इतनी अलग अलग सिंगर्स इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ गाया है आपने, ये कैसे आपने ये मतलब इतनी इंटरनेशनल चीजें, इतने आपने रॉबिन विलियम्स के साथ, जॉर्ज माइकल के साथ, इतने सिंगर्स के साथ आपने गाया है। सबसे अच्छी बात है कि देवनागरी जबान, देवनागरी माने वो हिंदी या मराठी, उस पर ही सब लिख लेने का। जैसे यंग उपति यंग कादलपति, तो हिंदी में लिख के हमें बहुत आसान होता है, मैं इंग्लिश में लिखती रही हूँ, उनकी भाषा तो आती ही नहीं है, तो अपनी मराठी भाषा हिंदी भाषा जो है उस पर गाने लिखते हैं, बंगाली भी वैसे लिखती हूँ, तो वो भाषा जो पढ़ने के लिए मुझे आसान होती है और उसमें मैं बराबर से लिखती हूँ कि ये क्या है। और हमारी भाषा में बहुत अच्छा है कि हमने उर्दू संस्कृत से सीखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्षमा नहीं बोलते, क्षमा बोलते हैं। तो आजकल मैं देखती हूँ लोग बोलते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा नहीं है, क्षमा है। यज्ञ कीजिए, यज्ञ नहीं कीजिए, यज्ञ कीजिए। तो इस वजह से मेरी भाषा जो है वो साफ हो गई है मंत्र बोलने से, और मैं मंत्र अच्छी तरह बोलती हूँ, मंत्र बोलने से जबान साफ हो गई है, और इस वजह से मेरे को कोई भी गाना जब गाती हूँ मैं तो मुझे अड़चन नहीं आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगता है, आपने भी सीखा करते करते ना, आपको बचपन से नहीं आता था, नहीं, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आप इस परिवार में पैदा हो गए तो आपको ये मौके मिल गए, आप इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं, नहीं, और नहीं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं, पर टैलेंट और अपॉर्चुनिटी दोनों चीजें हैं, क्योंकि जो भी एक टैलेंटेड आदमी है वो मेहनत करे बगैर कुछ बन नहीं सकता, आप मानते हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी कनेक्शन हो आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की है, और मेरा ना कोई गॉड फादर था, गॉड मदर थी मेरी, मैं खुद के पैरों पे खड़ी होके खुद के बल पे मैं सब बनी हूँ। जैसे खाना भी बनाती हूँ, बहुत सीखा कम है, मन से बनाती हूँ, ऐसे मैंने अपने काम में भी ऐसे किया है। तो आज के जमाने में जब इतनी डिबेट चल रही है कि आप इसके बेटे हैं आपकी के, तो आपको लगता है मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है ना, चाहे आप कुछ भी करें, टैलेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो वो भी मैं मानती हूँ, मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे कितने भी हम जैसे कनेक्शन हो, हम कहते हैं हम लोग
बिल्कुल मेहनत के बगैर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आई बस एक बात, अच्छा वो फोन पे हैं अभी, तो आप कुछ सीखे हैं उनसे ये कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है दुनिया में, चाहे हम कोई भी हों, सब हार्डवर्क करके बाहर आए हैं, हार्डवर्क करके ही आगे आए हैं। मैं एक आर्मी एयरफोर्स फैमिली की बैकग्राउंड थी, मेरे भाई बहन सब डॉक्टर्स हैं, तो हम अपनी मेहनत और लगन से, और मैं कुछ 15.5-16 साल की थी जब आई थी इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली ना मैं किसी को जानती थी ना मैं एक्टिंग जानती थी, मैं अपनी पुरानी फिल्में देखती हूँ और लगता है कि बाप रे मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। काम करते करते हम लोग सीखते हैं, और ये बात मैं आप सबसे कहूंगी कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे पैशन के साथ करनी पड़ेगी। तो आज की ये छोटी सी मुलाकात आशा भोसले जी के साथ यहाँ ख़त्म करती हूँ, और आप सबको ये कहूँगी कि बी सिंसियर, बी हार्ड वर्किंग, मौके मिलेंगे और आप उनका फ़ायदा उठाइए। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।